और वहीं हरियाणा के बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज विधायक गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। गोपाल कांडा इस केस के मुख्य आरोपी थे और इस मामले में 18 महीने जेल भी वो रह चुके हैं और इस फैसले पर उनका राजनीतिक भविष्य यह टिका हुआ था। अगर उन्हें दोषी ठहराया जाता तो उनका विधायक पद जा सकता था। कांडा के साथ उनकी MDLR कंपनी की मैनेजर अरुणा कांडा को इस केस में बरी कर दिया गया है और गीतिका विधायक गोपाल कांडा की एयरलाइंस में एयर हॉस्टेस के तौर पर वो काम करती थी और उसने 23 साल की उम्र में ही यानी कि 5 अगस्त 2012 को दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने ही फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। गीतिका के परिवार वालों ने गोपाल कांडा पर गीतिका को परेशान करने का भी आरोप लगाया था और मौत का जिम्मेदार भी बताया था। तो देखिए, आज ये बड़ी खबर और राहत भरी खबर विधायक गोपाल कांडा के लिए है क्योंकि आज जो फैसला सामने आया है बरी उनको कर दिया गया है और राजनीतिक भविष्य उनका टिका हुआ था। और बरी होने के बाद गोपाल कांडा का स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसको लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सच्चाई सबके सामने है। ये गोपाल कांडा ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत या फिर कुछ भी नहीं मिला है, यह सिर्फ और सिर्फ बनाया गया केस था। यह भी उन्होंने कहा यह केस किस सोच से था और क्यों बनाया गया था, यह भी सवाल उन्होंने पूछा है कि कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है वो गोपाल कांडा के पक्ष में है। और उन्होंने यह भी कह दिया कि जो सच्चाई थी वो सबके सामने आ चुकी है। तो देखिए, गोपाल कांडा की जो एयरलाइंस थी उसी में ही गीतिका एयर हॉस्टेस थी, वो काम करती थी, उसके बाद उनका प्रमोशन भी हुआ था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, सीधा सीधा आरोप गोपाल कांडा पर लगे थे कि उन्होंने उनको बहुत परेशान किया था जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया था। और आज जो फैसला आया है गोपाल कांडा के पक्ष में आया है और साथ साथ ही आपको बता दें कि उनका राजनीतिक जो करियर था वो भी आज ही के फैसले पर टिका हुआ था। अगर वो दोषी ठहराए जाते तो उनकी विधायिका जा सकती थी, लेकिन वो बरी हो गए हैं। उसके बाद उनका स्टेटमेंट भी सामने आया, उन्होंने कहा कि आज जो सच है वो सबके सामने है। और केस की जो टाइमलाइन है वो हम आपको बता दें कि क्या क्या इसमें अब तक हुआ। 18 अगस्त 2012 गोपाल कांडा ने सरेंडर किया था इस मामले को लेकर, अशोक विहार पुलिस स्टेशन में सरेंडर उन्होंने किया था। मेरे खिलाफ एक भी कोई एविडेंस कोई कुछ नहीं था, ये सिर्फ बनाया गया था। और ये किस सोच से क्यों बनाया गया था ये कोर्ट ने आज ये सब कुछ आपके सामने आप कोर्ट ऑर्डर करेंगे। बहुत डिफिकल्टी फेस की है, हर डेट पे ये कोर्ट में आए हैं, रेगुलर आए हैं, इनका कंडक्ट बहुत अच्छा रहा है कोर्ट के सामने। और कोर्ट के सामने 65 एविडेंस गवाह के बयान हुए हैं, हमारे खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस नहीं आया जैसे ये प्रूव हो कि इन्होंने कभी ऐसा कुछ किया था। प्लीज, ये टोटल इनोसेंट, ये फेस ए लॉट। प्लीज, कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने क्या कहा था? प्लीज, अभी कोर्ट ने सिर्फ प्रोनाउंसमेंट दिया। तो आपको बता दें कि गोपाल कांडा ने 18 महीने जेल भी काटी है इस पूरे मामले को लेकर और कोर्ट में यह मामला चल रहा था जिस पर आज ये बड़ा फैसला भी सामने आया है। गोपाल कांडा के पक्ष में यह फैसला सामने आया है। उनके वकील ने कहा कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो इस बात को साबित कर सके। और आपको बता दें कि आज गोपाल कांडा को यह बरी कर दिया गया, उनके लिए राहत भरी यह खबर है।